गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को ले चलूँगा अपने कैंपस के टूर पे, यानी कि JNU कैंपस जो है इस समय, चूँकि मानसून का टाइम चल रहा है तो बारिश होने की वजह से काफ़ी अच्छा माहौल हुआ है और कैंपस पूरी तरह से ग्रीन दिख रहा है। तो मैं आपको दिखाऊँगा अपने कैंपस की ग्रीनरी। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा हॉस्टल जहाँ पर मैं रहता हूँ, ये कमरा। और अभी के लिए हॉस्टल से हम जाएंगे सेंटर, यानी कि स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। तो ये पूरा का पूरा जो रूट है काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ से जो डिस्टेंस है अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट्स का डिस्टेंस है मेरे हॉस्टल लोहित हॉस्टल से स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस सेंटर। तो अब हम इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं, चलिए फिर इस मॉर्निंग टूर पे। फ्रेंड्स, वैसे तो रेगुलरली मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, लेकिन आज मैं आप सभी को लेके चलता हूँ। सो प्रारंभ करते हैं, लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, ये है सुबह का नज़ारा जो कि हमारे हॉस्टल लोहित हॉस्टल के सबसे ऊपर फ्लोर पे, यानी कि मैं छत पे आ चुका हूँ और यहाँ से पूरा कैंपस आप देखो कितना ग्रीन दिखता है। काफ़ी शानदार नज़ारा होता है यहाँ से और सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं पूरा रोटेट करके दिखा रहा हूँ 360 एंगल पे। ये पूरा जो है लोहित हॉस्टल के छत से आपको दिख रहा होगा ये कैंपस का नज़ारा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अब हॉस्टल से डिपार्टमेंट यानी कि सेंटर की तरफ, स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस जो कि मेरा सेंटर है। तो चलते हैं, देखिए यहाँ से एक और भी नज़ारा आपको दिखाऊँ, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ से फ्लाइट्स, यानी आप देख सकते हो बगल में JNU कैंपस के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, IGI एयरपोर्ट, और बहुत ही शानदार ये नज़ारा है। तो ये तो रेगुलरली ऐसे फ्लाइट्स जो हैं दिखती रहती हैं, क्योंकि बगल में ही एयरपोर्ट है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर ऐसे अक्सर शानदार नज़ारे दिखते हैं। तो चलिए अब मैं अपने हॉस्टल से जा रहा हूँ अपने स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस सेंटर की तरफ। तो मैं आपको पूरे रास्ते में जितनी ग्रीनरी है बहुत अच्छा लगता है, मैं मॉर्निंग में वॉक भी जब जाता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है, मज़ा आता है। तो आपको भी, आप मेरे साथ एंजॉय कर सकते हैं, तो आइए एंजॉय करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि छत से आपने कैंपस का नज़ारा देखा ही था, अब हम जा रहे हैं नीचे। तो मैं अब छत से नीचे जा रहा हूँ और फिर आगे मैं दिखाता हूँ जो हॉस्टल का एंट्री गेट है फ्रंट, वो कैसे दिखता है, और वहाँ से फिर हम जाएंगे अपने सेंटर की तरफ। तो चलिए, लेट्स गो। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू आउट ऑफ हॉस्टल। सो फ्रेंड्स, ये है मेरा हॉस्टल और इससे आगे अब हम लोग चलते हैं अपने सेंटर की तरफ। सो दिस इज द वे फॉर द सेंटर। वैसे फ्रेंड्स, आई थिंक ये मेरी जो ब्लॉगिंग है, पहली ब्लॉगिंग मैं कर रहा हूँ, बट आई एम नॉट अ प्रोफेशनल ब्लॉगर, बट आई एम ट्राइंग टू शो यू। तो बने रहिए मेरे साथ और ये पूरी जो ग्रीनरी है आप इसको इन्जॉय कीजिए। अब मैं अपने हॉस्टल से निकल चुका हूँ और अब हम जा रहे हैं अब अपने सेंटर की तरफ, स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। जब आप मॉर्निंग में निकलते हो तो काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी और बहुत ही ज़्यादा ये एक तरफ से पीसफुल मोमेंट होता है और काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हो ये जो ग्रीनरी है भाई साहब, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। और मॉर्निंग का जो वॉकिंग है, मेरा वॉकिंग भी हो जाता है और मैं अपने सेंटर में जाता हूँ, वहाँ पर जो भी अपने एसेंशियल वर्क हैं कर सकते हैं। खैर, आज तो संडे का दिन है फ्रेंड्स, तो आज मैं ये व्लॉगिंग कर रहा हूँ, आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि कैसे मैं, मेरा डेली का रूटीन रहता है। खैर, तो ये जो मॉर्निंग वॉक है वो भी हो जाती है और साथ ही साथ अपने सेंटर पे भी मैं पहुँच जाता हूँ। ओके, उसके बाद मैं वॉक जो है मैं स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए कितना अद्भुत नज़ारा होता है, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है यहाँ पे और बहुत अच्छा लगता है। यदि आप नेचर के बीच कुछ वक्त आप गुजारो तो बहुत अच्छा लगता है। और ये है आपका कोयना हॉस्टल। अब हम चलते हैं टी पॉइंट की तरफ, जहाँ से हमें जाना है एडमिन और एडमिन से होते हुए सेंटर। और फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात ये है कि जो कैंपस है वो पूरी तरह से अरावली रॉक्स पे है, तो पूरा जो आप देख सकते हो इलाका जो है पहाड़ी है और काफ़ी अच्छा लगता है जब रॉकी रीजन हो, पहाड़ी क्षेत्र हो,
और इस तरह से अप्स एंड डाउन्स, रास्ते भी बड़े ही मज़ेदार है जेएनयू के, और कैंपस तो भाई साहब पूछना ही नहीं है, बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी मेरे साथ उम्मीद करता हूँ इन्जॉय कर रहे होंगे। तो चलिए दिखाता हूँ आपको पूरा का पूरा ये स्ट्रेच, पूरा रूट। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर मेरे पीछे, ये तो सामने एक ग्राउंड है, बट मेरे पीछे जो है ताप्ती हॉस्टल है। और फिर यहाँ से हम पहुँचेंगे टी पॉइंट पे। और ये जो आप देख रहे हो लॉन, ये है आपका 24/7 बहुत ही फेमस ढाबा है, बट कोविड की वजह से अभी भी इन सब ढाबों को बंद कर रखा है कैंपस में। कैंपस काफ़ी ज़्यादा शांत दिख रहा है, ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है यहाँ पे। और वैसे संडे का भी टाइम है फ्रेंड्स, क्योंकि काफ़ी लोग संडे के दिन जो है थोड़ा रिलैक्स होते हैं, काफ़ी देर तक सोते हैं, हो सकता है ये भी रीज़न हो। ज़्यादा आपको अभी सड़कों पे लोग दिखाई नहीं दे रहे, भीड़ ज़्यादा नहीं है, पर हाँ एक देख सकते हो लोग टहल भी रहे हैं कुछ लोग। तो अब मैं देखिए सामने आपको दिख रहा होगा वो है आपका टी पॉइंट, जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का वो केबिन है छोटा सा। तो फ्रेंड्स ये है टी पॉइंट, हम आ चुके हैं टी पॉइंट पे। और ये जो सामने आपको दिख रहा है ये जाएगा एडमिन की तरफ, तो चलिए हम एडमिन की तरफ भी चलते हैं। और जैसे कि आपको मैं दिखाया, मैंने बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पर आपको देखो यहाँ से एरोप्लेन्स भी गुजरती रहती हैं कैंपस के ऊपर से, और बगल में ही इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, IGI एयरपोर्ट, तो एक अद्भुत नज़ारा दिखता है। और देखिए ये जो पूरा आपका है यही है रिंग रोड, और अब हम जा रहे हैं एडमिन की तरफ, ओके। और एडमिन से होते हुए हम जाएंगे अपने सेंटर यानी कि स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस की तरफ। फ्रेंड्स पूरे कैंपस का टूर मैं अगले वीडियो में करा दूंगा, खैर ये काफ़ी लंबा हो जाएगा व्लॉग, तो अभी के लिए मैं बहुत ही शॉर्ट रखता हूँ और आपको केवल और केवल अपने सेंटर तक का जो रास्ता है मैं वो आपको दिखाता हूँ। देखो साइड में भी आप देख सकते हो, बिकॉज ऑफ द मानसून बारिश यहाँ पे हो रही है, और बारिश की वजह से बहुत ही अच्छा आप देखो वेजिटेशन है, काफ़ी हरी हरी यहाँ पर घासें भी दिख रही हैं, और पेड़ पौधे तो ऑलरेडी ग्रीन हैं, और ये इस कैंपस की खूबसूरती में चार चांद लगाता है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि दिल्ली में ये जो अरावली रीजन है, इसमें अगर मैं फॉरेस्ट की बात करूं तो JNU कैंपस में काफ़ी बड़ा फॉरेस्ट है, तो एक तरफ से ये बहुत ही अच्छा है दिल्ली के लिए भी। और अगर आपको क्लीन एनवायरनमेंट में रहना है तो इस पूरे के पूरे अर्बन एरिया में ये काफ़ी अच्छी जगह है। और आप तो देख ही रहे हो हवा भी जो है ठंडी ठंडी, सुबह का टाइम है तो आप इन्जॉय कर सकते हो। तो ये हम जा रहे हैं एडमिन की तरफ। और ये जो आप देखते हो ये जो रास्ता है वो जाता है सर्किट हाउस की तरफ, और ये है आपका बोर्ड, आप देख सकते हो ओल्ड ट्रांजिट हाउस एंड दक्षिणपुरम आवास। सो अब हम पहुंच चुके हैं, और ये जो आप देख रहे हो एक और टी पॉइंट आता है ये आपका, तो यहाँ पर बगल में यानी लेफ़्ट साइड जो आप जाओगे लेफ़्ट इस रोड में तो आपका एडमिन है यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, और आप राइट साइड अगर जाओगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ सेंटर्स हैं, और इस रोड को बोलते हैं APJ अब्दुल कलाम मार्ग। तो यहाँ से मैं अब इस रोड को क्रॉस कर लूँ, देखिए काफ़ी, तो इस समय सुबह का टाइम है भाई, ट्रैफिक तो होता नहीं है। देखिए अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपको ग्रीन ग्रीन
घासें भी ग्रीन है और यहाँ पे पेड़ पौधे भी ग्रीन है भाई, पूरा का पूरा माहौल ग्रीन है और इतना ब्यूटीफुल नज़ारा है आप देखिए। ऑब्वियसली यहाँ पर जो है, यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ की फैकल्टी है, यहाँ पे जो लोग रहते हैं दिल्ली में, बहुत ही क्लीन एनवायरनमेंट में वो लोग रहते हैं। और यहाँ का जो है आप देखो, ये जो वेजिटेशन है वो काफ़ी रिच है और बायोडाइवर्सिटी भी यहाँ पे काफ़ी है। अप्रॉक्सीमेटली 67 जो बर्ड स्पीसीज हैं वो इस कैंपस में पाई जाती हैं। और बाकी अब एनिमल्स की अगर बात करूँ तो यहाँ पे नीलगाय भी दिखाई देती है, नीलगाय हो गई, और भी यहाँ पे एनिमल्स हैं और यहाँ पे डॉग्स तो दिखते रहते हैं। आप सुन सकते हो यहाँ पे, देखो बर्ड्स जो है, बर्ड्स आर चर्पिंग, यू कैन सी द वॉइस ऑफ बर्ड्स। और ये पूरा जो रास्ता है ये जाता है सेंट्रल लाइब्रेरी की तरफ, और साथ ही साथ और भी सेंटर हैं, स्कूल ऑफ लाइफ साइंस SSS और हमारा SES यानी स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस। तो मैं जा रहा हूँ SES की तरफ, और यहाँ पर जो मैं मेरे आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो वो है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। मैं कभी उसके लिए भी सेपरेट वीडियो बना लूँगा। ओके, तो यहाँ से देखो पूरा का पूरा जो आपका है, जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी सारा का सारा व्यू एकदम ग्रीन है। सो वॉकिंग विद दिस कैनोपी, फ्रेंड्स आप मेरे सामने जो देख रहे हो वो जो बिल्डिंग है पेड़ों के पीछे, वो है आपकी सेंट्रल लाइब्रेरी। ये है आपकी सेंट्रल लाइब्रेरी और ये जाता है रास्ता हमारे स्कूल ऑफ एनवायरमेंट साइंस सेंटर की तरफ, यानी SES की तरफ। तो हम जा रहे हैं SES अपने सेंटर की तरफ। कभी नेक्स्ट वीडियो में टाइम मिला तो मैं एक सेंट्रल लाइब्रेरी पर भी वीडियो बनाऊँगा, आप देख सकते हो। अभी जो ये रास्ता है जिस तरफ हम जा रहे हैं वो है हमारा SES। तो ठीक है, तो ये हैं हमारे SSS के सेंटर्स, जिसमें ये है आपका स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस 2। तो फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं अपने सेंटर की तरफ जो कि है स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, और मैं दिखाता हूँ। तो सेंटर का जो आपका एंट्री गेट है वो है थोड़ा आगे, तो ये है फ्रेंड्स हमारा स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस यानी SES।